Hey guys, it's me, Sanjay. Welcome back to Ask Comics. दोस्तों आज के इस वीडियो में इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते हो तो इस तरह का स्टेटस बहुत ही आसानी से आप लोग बना पाओगे। तो गाइज मेरे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड गाइज वीडियो आज का अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, इससे क्या होता है मेरा मोटिवेशन बनाए रहेगा और आने वाले दिनों में और भी बेहतर मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो गाइज इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे बनाया जाता है चलिए देखते हैं। गाइज इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आप लोगों को फर्स्ट क्या करना है, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग बहुत से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट ओपन करें, ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पे टच करें, नेक्स्ट पे। यहाँ पर देखिए सेकंड वाला जो रेस्यू है इस पर टच करने के बाद नेक्स्ट पे टच करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए सेटिंग का अकाउंट मिल रहा है, इस पर टच करें। एंड यहाँ पर एडिटिंग पे टच करें, यहाँ पर आप लोग फिल स्क्रीन पे टच कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना है, बैक आना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को भोलेनाथ का बहुत सारा पिक्चर ऐड कर लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा पिक्चर नहीं है, 9-10 पिक्चर है, तो यहाँ पर मैं इसको ही रिपीटेड इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो आप लोग बहुत सारे पिक्चर डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे क्या होगा और भी बेहतरीन स्टेटस बनेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप लोग देखिए बहुत सारे पिक्चर इस तरह से डबल भी कर सकते हो, या तो ये जो पिक्चर है सारा कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आप लोग और भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, गूगल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस इस तरह से ऐड होने के बाद आप लोग क्या करें, आप लोग को लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है। यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को इस तरह से ऐड करें, ऐड करने के बाद देखिए इसे फर्स्ट में ले आइए इस तरह से। एंड इसे क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है गाइस, छोटा करने के बाद आप लोग क्या करना है, देखिए आप लोग को कट इस वीडियो को देखकर ही करना है। ठीक है गाइस, क्योंकि दोस्तों कट करना थोड़ा सा दिक्कत भरी है, तो आप लोग वीडियो को देख कर अगर कट करोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। या तो दोस्तों अगर आप लोग कोई सा भी दिक्कत हो कट करने में तो आप लोग बोलिएगा, मैं बीट नोट सारा नोट करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस देखिए फर्स्ट कट कहाँ पर करना है, देखिए आप लोगों को देखिए फर्स्ट कट यहाँ पर करना है, देखिए यहाँ पर करना है। तो आप लोग पिक्चर पर टच करें, कांचे पर टच करें, ट्रिम पर ऐड प्लेट करें। ठीक है गाइस, और अच्छे तरीके से करने के लिए इस तरह से दो दोनों फिंगर से इस तरह से जूम कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पिक्चर का चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पिक्चर पर टच करें, कांचे पर टच करें, ट्रिम पर ऐड प्लेट करें। उसके बाद दोस्तों क्या करें, देखिए यहाँ पर कहाँ पर थर्ड पिक्चर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से पिक्चर पर टच करें, कांचे पर टच करें, ट्रिम पर ऐड प्लेट करें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फोर्थ पिक्चर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप लोग पिक्चर पर टच करें, कांचे पर टच करें, ट्रिम पर ऐड प्लेट करें। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो को देखकर आप लोगों को सारे फोटो को कट कर लेना है। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल भी प्रोसेस है, अगर आप लोग वीडियो को देखकर कट करोगे। एंड दोस्तों आप लोग अगर खुद से करना चाहोगे तो दिक्कत होगा बहुत सारा, ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो को देखकर भी आप लोग अगर सही से नहीं कर पाते हो तो आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं क्या करूँगा बीट नोट सारा डिस्क्रिप्शन में एंड आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों बीट नोट कट, मैं ये कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर सारे बीट नोट के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है। तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो पर टच करिए, आप देखिए एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो मिलेगा, एक्स्ट्रैक्ट ऑडियो कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो का कोई काम नहीं, डिलीट कर लीजिएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर सारे बीट नोट के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया है। तो आप लोग क्या करना है, अब आप लोग पिक्चर पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स पर टच करना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग दो क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना है। फर्स्ट क्लिप ग्राफिक्स करने में यहाँ पर स्वीट लाइज, एंड सेकंड दोस्तों आप लोग क्या डाउनलोड करना है, कॉल मी डीजे। ये दोनों को आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। कैसे इंस्टॉल करना है अगर आप लोग को नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोनों वीडियो को देखकर आप लोग ये स्वीट लाइज एंड कॉल मी डीजे को इंस्टॉल कर सकते हो काइनमास्टर में। तो गाइस फर्स्ट क्या करना है, देखिए स्वीट लाइज को ओपन करना है। यहाँ पर देखिए स्वीट लाइज है, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इसका जो 5 नंबर वाला इफेक्ट है इसको आप लोगों को ऐड करना है। तो इस तरह से देखिए 5 नंबर वाला इफेक्ट आप लोगों को कहाँ तक करना है, देखिए इस तरह से करते जाना है। मैं पहले से करके रखा हूँ, बहुत ही आसान होगा इसलिए। तो इस तरह से 5 नंबर इफेक्ट को आप लोगों को ऐड कर लेना है। देखिए जहाँ पर छोटे पिक्चर आ रहे हैं, देखिए यहाँ तक करना है। अब देखिए दोस्तों दो छोटे पिक्चर है, तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को और स्वीट लाइट्स को यूज़ नहीं करना है। आप लोग देखिए छोटे पिक्चर पर टच करें, क्लिप ग्राफिक्स पर टच करें। अब दोस्तों आप लोग कॉल मी डीजे पर चले आना है। कॉल मी डीजे पर आने के बाद देखिए फर्स्ट दो जो छोटे पिक्चर हो रहे हैं
इसमें सिर्फ क्या करना है, क्वालिटी का जो वन नंबर इफेक्ट है इसको ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर वाला पिक्चर है इससे आप लोग क्या करना है, क्वालिटी का थर्ड देना है। तो देखिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड छोटे जो दो पिक्चर हो रहे हैं इसमें क्वालिटी का वन नंबर वाला इफेक्ट, एंड जो बड़े पिक्चर हो रहे हैं इसमें क्वालिटी का थर्ड नंबर वाला इफेक्ट। उसके बाद सेम वन नंबर वाला इफेक्ट क्वालिटी का एंड इसमें थर्ड नंबर वाला इफेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग लास्ट तक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट तक करने के बाद इस तरह से ये होगा। तो देखिए यहाँ पर तो आप लोगों को बिट नोट के अकॉर्डिंग कट भी हो चुका है एंड आप लोग क्लिप ग्राफिक्स भी ऐड कर चुके हैं। उसके बाद आप लोग क्या करना है, लैप एडस करना, मीडिया एडस करना है। यहाँ पर दोस्तों एक शैडो वाला पिन आप लोगों को ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों इस पिन को ऐड करें, ऐड करने के बाद इस तरह से इसे टिल्ट करें एंड इस तरह से इसे सेट कर लीजिएगा एंड इसे भी खींच के आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को लास्ट तक कर लेना है एंड थोड़ा सा जूम डिक्रीज कर लीजिएगा, इससे क्या होगा आप लोगों को करने में बहुत ही आसान होगा। तो गाइस देखिए इस तरह से लास्ट तक कर लेना है। अब दोस्तों आप लोग क्या करना है, आप लोगों को एक वीडियो यहाँ पर ऐड करना है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। तो गाइस देखिए कौन सा वीडियो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो गाइस ये वीडियो है, इसको यहाँ पर ऐड करें। ऐड करने के बाद आप लोग इसे फुल स्क्रीन करें, फुल स्क्रीन करने के बाद क्या करना है, देखिए वीडियो पर टच करें, नीचे ब्लेंडिंग मिलेगा, यहाँ पर इसे स्क्रीन कर लीजिएगा। तो गाइस देखिए इस तरह से ये होगा, ठीक है गाइस। और भी कोई आप लोग इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, तो मुझे ये सही लगा तो इसलिए मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग उसके बाद क्या करना है, लेयर पर टच करना, मीडिया पर टच करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक बोडा वाला पीएनजी ऐड करना है, तो देखिए इसे ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसे फुल स्क्रीन करें एंड इसे भी खींच के आप लोग क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक कर लेना है। तो गाइज आपका जो वीडियो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइज इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन महादेव की स्टेटस बना सकते हो। तो देखिए कैसा हुआ, मैं प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए बहुत ही बेहतरीन एक स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इनको सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मेरा मोटिवेशन बनाए रहेगा और भी आने वाले दिनों में बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा जरूर। तो चलिए दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।